फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डनिंग। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि घर पे हम टमाटर कैसे इजीली ग्रो करें और किस तरीके के जो मिट्टी होती है उसमें हम इसको ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, ये जो आप टमाटर का प्लांट देख पा रहे हैं, ये मैंने अपने घर पर ही ग्रो किया है। मेरे इसकी जो सीड्स थे वो गुलाब के प्लांट में थोड़े से गिर गए थे, तो मैंने फ्रेंड्स किचन वेस्ट की जो टमाटर या सब्जियां लेकर आई थी तो उसमें से कुछ सीड्स मेरे जो दूसरे प्लांट है उसमें गिर गए थे और ये अपने आप ग्रो हो गया था फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कितनी सारी जो ब्रांचेस है उसमें से नए नए फ्लावर निकल कर आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये पूरी जो प्लांट आप देख पा रहे हैं, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ में संडे ओवरव्यू में शेयर की थी। ये एक छोटा सा 5 इंच का पौधा था फ्रेंड्स, और इसे मैंने किचन वेस्ट से जो खाद बनाई थी उसमें इसको ग्रो किया था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं किचन वेस्ट बनाती रहती हूँ खाद उससे, और जितना भी मेरे किचन में वेस्ट निकलता है उसे इकट्ठा करके फिर मैं एक पॉलीथीन में डालकर रख देती हूँ, और जब वो तैयार हो जाता है तो उसमें मैं सिर्फ किचन वेस्ट में ही प्लांट को लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो प्लांट आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ 1 महीने का है, और मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स किसकी आप साइज, पत्तियों का साइज आप देख पा रहे हैं कि ये कितना ग्रो हो गया है। सिर्फ इस वजह से फ्रेंड्स कि इसमें मैंने पूरी खाद जो थी किचन वेस्ट से बनी हुई उसमें ही इसको ग्रो किया था। तो फ्रेंड्स देखिए कि इसकी जो फ्लावरिंग है वो कितनी बड़ी है, और इसमें फ्लावर का साइज भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि इसका फ्लावर का साइज भी काफी बड़ा है, तो फिर टमाटर के साइज भी इसमें काफी ज्यादा बड़े बड़े आएंगे, और एक नहीं 3 से 4 जगह यहाँ पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, कि एक यहाँ पर हुई है फ्रेंड्स, और एक यहाँ पर हुई है, और एक यहाँ पर हुई है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि घर पर ही किचन वेस्ट इजिली कैसे बनाए जिसमें बदबू भी नहीं आएगी और आप बिना टेंशन के बना सकते हैं, और उसको बनाने का सही मेथड क्या है और उसमें प्लांट को लगाने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं किचन वेस्ट की और उसमें प्लांट लगाने की। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और उसके साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इजिली इस मेरी वीडियो को देख पाए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको कुछ ज्यादा किचन वेस्ट के लिए करना नहीं है। आपके जो किचन है उसमें बहुत ही ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह का जो छिलके निकलते हैं, खराब वेजिटेबल निकलती है, या फिर आपके पास में जो वेजिटेबल वाले आते हैं उनके पास में भी बहुत सारे वेजिटेबल के छिलके होते हैं, वेस्ट होता है, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो किचन वेस्ट खाद है वो बहुत जल्दी कम्पोस्ट तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा हमारे किचन में निकलता है, थोड़ा सा आप उन वेजिटेबल वालों से ले लें तो उनसे भी ज्यादा होता है। और इस वक्त फ्रेंड्स, जब ठंड का टाइम हो रहा है, तो इस वक्त मटर, मूली और मेथी, पालक वगैरह का बहुत सारी वेजिटेबल्स निकलने लगी, तो हम लोग जब लेकर आते हैं तो उससे बहुत ही जल्दी आपके ग्रो बैग भर जाएंगे और बहुत जल्दी आपको जो खाद है वो तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने एक बैग तो पूरा तैयार करके रख दिया है फ्रेंड्स, देखिए। और ये जो बैग है फ्रेंड्स, ये जो मैंने घर पर आटा यूज करती हूँ उसका है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए, इसमें आपको लहसुन के थोड़े से वेस्ट दिख रहे होंगे, थोड़े से जो पालक है उसके दिख रहे होंगे, गोभी के भी डालती हूँ मैं, और किचन के साथ साथ फ्रेंड्स जो गार्डन की मेरी, देखिए ये एलोवेरा की पत्ती है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें देखिए अंदर की तरफ ये केले के छिलके भी हैं फ्रेंड्स। तो मैं इस तरीके से इसको डालकर फ्रेंड्स रख देती हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि सब पूरा जो खाद है वो आपको इस तरीके से तैयार करनी है कि आप पहले एक लेयर जो अपने घर की गीली रहती है फ्रेंड्स, स्पेशली जो मटर के छिलके होते हैं, टमाटर और जितनी भी जो सब्जियां होती है उनको सबसे नीचे डालना है। उसके बाद में जब आप गार्डन साफ करते हैं फ्रेंड्स, तो जो सूखी पत्तियां निकलती है तो उसको आपको डालना है। जैसे ये सूखी सूखी जो पत्तियां हैं फ्रेंड्स, जो मैंने इस वाले बैग में तैयार कर रखी है, तो ऐसी आपको डालना है। अगर आप मिट्टी डालना चाहें तो ठीक है फ्रेंड्स, वरना मिट्टी नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। किचन जो गार्डन का जो वेस्ट होता है फ्रेंड्स, तो वो गार्डन के वेस्ट में आपको मिट्टी भी मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमारे पानी देने से गमले में से बाहर आ जाती है और वो मिट्टी हमें इसमें यूज में आ जाएंगी। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं फ्रेंड्स, और ये सूखा ही रहेगा, ज्यादा आपको इसमें पानी डालना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ थोड़ा सा पानी आपको इस तरीके से छिड़कना है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा पानी लेके इस तरीके से इसको
थोड़ा सा छिड़क दीजिए फ्रेंड्स, ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे, और इसे ढक के रखिए। तो आप ढकने के लिए कोई पॉलीथीन ले सकते हैं, या फिर कोई जो टाइल्स है उसका टुकड़ा ले सकते हैं, या फिर आप इस पॉलीथीन को भी इस तरीके से कवर करके कोई वजन आप इसके ऊपर, कोई भार इसके ऊपर रख दीजिए, तो इस तरीके से ये पैक हो जाएगा पूरा। और उसके बाद में फ्रेंड्स ये धीरे धीरे अपना जो काम है वो शुरू कर देगा, और धीरे धीरे फिर ये जो सारी वेजिटेबल्स है ये खत्म हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, और फिर आपकी जो खाद है, जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है, वो तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बैग मैंने भर दिया है और इसे मैं इस तरीके से यहीं पर रखती हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज रख देती हूँ जिससे ये पूरी तरीके से ढक जाए। तो मैं इस तरीके से इसे ढक कर रखती हूँ इस तरीके से, और देखिए फ्रेंड्स, और इस तरफ फ्रेंड्स मैंने ये जो तैयार है दूसरा बैग मैंने तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक बैग तो फ्रेंड्स मेरा भर गया है। और जो इस टाइम पर फ्रेंड्स वेजिटेबल बहुत आती हैं, तो इसलिए मेरे काफी सारे बैग भर जाते हैं और फिर पूरे साल में उसे यूज करती हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें मटर के छिलके हैं और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे पूरे गार्डन की जो ये पत्तियां देख पा रहे हैं आप, कि ये जो पत्तियां हैं ये जो सूखे मटेरियल में मैं यूज करती हूँ, मेरे पूरे गार्डन की पत्तियां वगैरह है, मिट्टी है इसके अंदर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरी जो किचन वेस्ट की खाद है वो घर पर ही इजीली तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। और फिर जब इसमें फ्रेंड्स लगाने की बारी आती है प्लांट को, तो ये काफी मॉइस्चर होल्डिंग होती है, तो इसमें हमें ना तो वर्मी कम्पोस्ट मिलाना पड़ता है और ना ही रिवर्स सैंड मिलानी पड़ती है और ना ही मिट्टी मिलानी पड़ती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं इजीली, आपको बिना किसी पैसे खर्चा किए बस इस तरीके से करना है। इसमें कम पानी डालने से फ्रेंड्स इसमें कीड़े भी नहीं होते हैं और बदबू भी नहीं आती है, तो ये इजीली तरीके से बन जाती है। बस बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके बैग तैयार होते जाते हैं, जो फर्स्ट बैग आपने तैयार किया ये वाला फ्रेंड्स, तो ये वाला पहले तैयार होके मेरे को खाद मिल जाएगी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके एक एक करके मेरे सारे बैग भराते जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो तैयार भी होते जाएंगे। तो टाइम टू टाइम मुझे पूरी खाद टाइम टू टाइम मिलती जाएगी, तो मुझे बाहर से लेना नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स इसको जो हम लगाते हैं प्लांट को, तो उसको ये फायदा होता है कि इसमें हमें दूसरी जो मिट्टी है उसमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं इसमें एक लेयर टाइम टू टाइम मिलाती रहती हूँ, जैसे कि मैंने अभी इतना जो खाद डाला है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में मैं एक बार और वेजिटेबल डालूंगी, उसके बाद में थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी ताकि वो पूरी ढक जाए और उसकी प्रोसेस शुरू हो जाए खाद बनने की, उसके बाद में फिर मैं दूसरी डालूंगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि जब आप इसको लगाते हैं तो इसमें मॉइस्चर पहले से ही बना रहता है, मेंटेन रहता है, तो इसको आपको ज्यादा पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। इसका ये फायदा होता है कि जब आप बनाते हैं तो इसमें जितनी भी वेजिटेबल का वेस्ट होता है फ्रेंड्स, वो अपने आप में एक बढ़िया सी खाद बन जाती है। और उसमें फ्रेंड्स थोड़ी सी आप अगर वर्मी कंपोस्ट डाल दें तो उसमें फिर केचुए भी आपको मिल जाएंगे आराम से, तो उसके वजह से फ्रेंड्स इसकी जो खाद है वो एकदम स्पंजी हो जाती है, वर्मी कंपोस्ट जैसी हो जाती है, तो वो अपने आप में ही पानी होल्ड करके रखती है। तो मैं इसमें काफी कम पानी देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्चर होल्ड करके रखती है जब भी मैं इसे टच करती हूँ, तो मुझे हफ्ते में एक बार ही इसमें पानी देना रहता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने गार्डन में जो आराम से किचन वेस्ट बनाइए और उसके किचन वेस्ट से खाद बनाइए और उसके जो बेनिफिट हैं वो अपने प्लांट पे लीजिए फ्रेंड्स। थोड़े दिनों बाद फ्रेंड्स इसमें आराम से टमाटर भी लगेंगे और वो वीडियो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो इस वक्त तो देखिए फ्रेंड्स चार जगह से इसकी जो फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, 1, 2, 3 और 4, तो मुझे देख के काफी खुशी हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो स्पीड है बढ़ने की प्लांट की वो काफी ज्यादा तेजी से ये बढ़ा है। और देखिए फ्रेंड्स इसकी नई नई यहाँ से ब्रांचेस भी निकल कर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि मैंने जो किचन वेस्ट बनाया था उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बनाइए और अपने प्लांट को उसमें लगाइए, तो आपको बेनिफिट जरूर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, आपको कैसी लगी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई प्लांट की जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।